दोस्तों, मेरे नाम विश्वनाथ राजन। मैं इसका पहले हिंदी में एक वीडियो स्टार्ट किया था, उसमें मैंने बात किया आर ए एस मतलब रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। इसकी मतलब ये होता है कि उसी पानी को हर बार निकाल के साफ सफाई करके इसी टैंक में फिर से डालने वाली सिस्टम। तो मछली तो अपन 100 साल से खा रहा है, लेकिन लगभग 50-60-70 साल से इस मछली को पालना करना भी शुरू किया। तो इस पालना करने वाली टेक्नोलॉजी में, जैसा तालाब के अंदर नहीं तो जहां पर ज्यादा पानी चल रहा है वहां पर रेस रेस, जहां पर ज्यादा पानी है जैसा समुन्दर, नदियों और बड़ा बड़ा तालाबों में, उसमें एक नेट बना के करने वाली केज कल्चर, और इसी का साथ ही साथ पेन कल्चर, आई पॉट, ऐसा बहुत कुछ टेक्नोलॉजीज है। तो भी आज अपन को आरएएस करने की जरूरत क्या है? अच्छा, इसमें क्या अपन को फायदा है, इसका बारे में आज मैं बात करना चाह रहा हूं। तो इससे क्या है कि आपको 100 एकड़ में पालने करने वाली मछली को लाकर 1 एकड़ में कर सकते। इसकी मतलब जमीन को 100 गुना अपन कम एरिया में करने से जमीन को बचा रहा हूं, और साथ ही साथ पानी में आए तो 1 एकड़ में भरा हुआ पानी लगभग 1 करोड़ लीटर। ये क्या हिसाब है? जैसे 1 एकड़ की मतलब 4,000 स्क्वायर मीटर। अगर तालाब की कढ़ाई अढ़ाई 3 मीटर खड्डा है तो 4,000 × 2.5 मीटर, इसकी मतलब 10,000 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर में 1,000 लीटर पानी होने की से लगभग 1 करोड़ लीटर पानी रख के उसमें अपन पालना करते 3 टन या 4 टन मैक्सिमम। तो इस 4 टन निकालने का जगह में उसी 4 टन को लाकर अपना इस सिस्टम में खाली 50,000 लीटर पानी में इसका पालना कर सकता है। इसकी मतलब 0.5% ऑफ द वाटर, मतलब 99.5% पानी को बचत हो रहा है यहाँ पर। और अब समझो, 100 एकड़ में पालने करने वाली मछली को लाके 1 एकड़ में पालना करने से कितना लेबर की बचत है, क्योंकि 100 एकड़ में करना है तो कितना लेबर की जरूरत है, और 1 एकड़ में है तो कितना लेबर की जरूरत है, इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तो और क्या क्या बेनिफिट्स है इसमें? सबसे पहले अपन कहीं भी, मतलब जहां पर पानी नहीं है, ना जहां पर ज्यादा ठंडी गिर रहा है, ना जहां पर ज्यादा गर्मी गिर रहा है, हर जगह में अपन इस मछली को पालना कर सकते। एक एग्जाम्पल, एक फैमिली मतलब पति पत्नी और इनकी 2 बच्चा यूज करने वाले, जिस पानी से आराम से साल में अपन 10-15 टन मछली को पालना कर सकते। इसकी मतलब जहां पर 2.5-3 एकड़ में ग्रो करने वाली मछली को एक फैमिली यूज करने वाली पानी से ही अपन ग्रो कर सकते। अच्छा, और एक बात, ये इको फ्रेंडली सिस्टम है। इको फ्रेंडली तुम कैसे बोलते बोले तो, एक तालाब में मछली का बच्चा छोड़ के 6 महीना 8 महीना अपन ग्रो करने के टाइम में हर रोज इसकी मल और मूत्र उसी तालाब में छोड़ने के कारण से ग्रो होने वाली जो पोल्यूशन, उसको हटाने का वहां पर कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ पर इस मल मूत्र के साथ ही साथ बैक्टीरिया को भी साफ करने का एक नया टेक्नोलॉजी लगा के रखा अपन, और इसके कोई केमिकल यूज करने की जरूरत आज तक, मतलब हमारा जो 5 साल की एक्सपीरियंस में, आज तक कोई केमिकल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ा। क्योंकि मैंने जो गंदगी है उसको हर बार साफ कर रहा हूं, तो और करने का क्या है? और इस सिस्टम में बहुत कम लेबर से काम कर सकते, और साथ ही साथ क्लाइमेट इंडिपेंडेंट,
इसकी मतलब जो मौसम से कोई मतलब नहीं है, जैसे ठंडी का मौसम या गर्मी का मौसम, जो मामूली सिस्टम में ट्रेडिशनल मेथड में तालाब में करने के टाइम में जैसा मौसम का ठंडी का मौसम हुआ तो उस ठंडी के कारण से मछली की ग्रोथ रुक जाती, और कभी गर्मी का मौसम में गर्मी ज्यादा बढ़ने से जो मछली मर भी जाता है। तो इस सिस्टम में अपन एक रूफ का अंदर मतलब एक शेड में जो कल्टीवेट कर रहा हूं, इस टाइम में क्लाइमेट को बहुत बढ़िया से अपन कंट्रोल कर सकते, मछली को जो 28 डिग्री टेम्परेचर चाहिए उस 28 डिग्री का टेम्परेचर 24 घंटा अपन मेंटेन करने का भी इसके अंदर इंतजाम है। और सबसे बढ़िया ये बात है कि जो आपने 10 एकड़ में जो पालना करने के बाद इस 10 एकड़ से आया हुआ जो 20, 25 या 30 टन माल, इस 30 टन माल को एक ही दिन निकाल के एक ब्रोकर का हाथ में नहीं तो एक मीडिएटर का हाथ में रखना पड़ेंगे। उस टाइम में उन्हें जो पैसा दिया वही पैसा अपन को मिलने वाला है, क्योंकि इसका रेट को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इस सिस्टम में क्या है कि पूरा मट्टी का बिना कर रहा हूं और पोल्यूशन का बिना कर रहा हूं, जब कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसी टाइम में 1 किलो, 10 किलो, 100 किलो, 1000 किलो जितना चाहिए उतना मछली को निकाल के बेचने का भी मौका मिल रहा है। इस कारण से अपन को बहुत बढ़िया प्राइस मार्केट में मिलेंगे, क्योंकि आप देने वाली मछली केमिकल फ्री, हेल्दी, टेस्टी और लाइव। जब इच्छा हुआ हमारा कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर इज द माई भगवान, मेरा भगवान, उस भगवान को जो चाहिए वो, अगर मैंने देना शुरू किया तो मेरे को जो चाहिए वो कस्टमर देने के भी तैयार है। तो यही सीक्रेट से मैंने मल्टीपल हार्वेस्ट करके सुबह शाम रात दिन जब चाहिए तब इस सिस्टम में से मछली निकाल के मैं मेरे कस्टमर को दे रहा है, तो जरूर मेरे को बड़ा प्राइज मिलेंगे। अच्छा दोस्तों, आगे वीडियो में इसमें इम्पोर्टेंट थिंग, टैंक। टैंक का मतलब ये मछली जहां पर पाल रहा हूं वो टैंक का शेप क्या होना और मटेरियल क्या होना, इसका डायामीटर क्या होना, इसका कड़ाई क्या होना, इसका कोई परफेक्ट प्लानिंग है क्या, तो है तो उसको कैसा करना, ये सब चीज का बारे में मैं बात करूंगी। और आप लोगों को इस आरएएस का बारे में जानना है तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना भूलो मत। मिलेंगे फिर आपसे एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू, नमस्कार।